करते हैं। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे यहाँ पे दिया हुआ है, कुछ इंस्ट्रक्शन भी आप लोग देख लीजिए एक बार। 100 से 100 ऑब्जेक्ट रहेगा जिसमें 50 का ही आंसर आप लोगों को देना है, ठीक है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रखा है, राज्यसभा का सभापति कौन होता है। आप लोग जो है इस रिक्वेस्ट रहेगा कि इस वीडियो को आप लोग लाइक जरूर करना, काफी मेहनत से आप लोगों के लिए बना रहा हूँ, इतने सारे क्वेश्चन लेकर आ रहा हूँ तो इसलिए तो लाइक तो बनता है, तो लाइक जरूर करेंगे, ठीक है। राज्यसभा का सभापति की बात करें तो यहाँ पे बोलेंगे सर ऑप्शन नंबर बी जगह उपराष्ट्रपति, ठीक है। राज्यसभा का जो सभापति होता है वो उपराष्ट्रपति है। क्वेश्चन दो देखिए क्या पूछ रखा है आप लोगों को, भारत में किस तरह की दलीय व्यवस्था है, तो क्या हो जाएगा, तो बोलेंगे सर बहुदलीय व्यवस्था हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है, बहुदलीय व्यवस्था है भारत में। चलिए आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा हम लोगों को, क्वेश्चन कह रहा है हम लोगों को कि नागा नेशनल जो है काउंसिल का नेता जो है कौन था, तो नागा नेशनल काउंसिल का नेता जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे जाएगा डी जगह अंगापी जापू फीजा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। जो जो क्वेश्चन आप लोग नया लग रहा है उस क्वेश्चन को बोलो अच्छी तरह से याद कर लें। क्वेश्चन नंबर फोर क्या पूछ रहा है, शीत युद्ध का अंत कब हुआ था, शीत युद्ध के अंत की बात करें तो डेफिनेटली सबको बताना चाहिए 1991, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्या 1991, ठीक है। आगे क्वेश्चन क्या कर रहा हूँ, शीत युद्ध के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, ध्यान देंगे सही नहीं की बात की जा रही है, दो महाशक्तियों के बीच विचारों की ओर बिल्कुल सही है, अमेरिका सोवियत संघ के उनके मित्र देशों के बीच बिल्कुल सही है, शस्त्रीकरण की ओर बिल्कुल सही है, संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ युद्ध में शामिल युद्ध में सम्मिलित नहीं, ये गलत हो जाएगा आपका, ऑप्शन यहाँ पे डी होगा, ठीक है, यही आपका कथन जो है सही नहीं है। चलिए आगे क्वेश्चन कर रहा हूँ कि G77 जो है आसिया दुनिया के किन देशों से हैं, तो बिल्कुल सभी का आंसर आना चाहिए, इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, विकासशील देशों में, किसमें विकासशील देशों में, आप सभी को पता है विकासशील और विकसित के बारे में, विकसित ऐसे देश होते हैं जिसमें जो है आय जो है बहुत ज़्यादा, यानी उसमें जो जितने भी व्यक्ति होते हैं सब जो है रोजगार वाले होते हैं, और विकासशील में जो होते हैं वो 50% लगभग रोजगार होते हैं, 50% खाने वाले होते हैं सिर्फ, ठीक है। तो भारत एक विकासशील देश है और नार्वे एक विकसित देश है। क्वेश्चन 7 पूछ रखा है, सोवियत संघ का विघटन जो कब हुआ था, सोवियत संघ का जो है विघटन हुआ था आपका 25 दिसंबर 1991, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर, क्या होगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आप देखा कि विश्व राजनीति के दो ध्रुव कौन थे, विश्व राजनीति के दो ध्रुव कौन थे, बताइए क्वेश्चन नंबर 8 का क्या आंसर होगा, तो बिल्कुल सभी का आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, अमेरिकी और सोवियत संघ, क्या होगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 को देखिए क्या पूछ रखा है आप लोगों को, व्लादिमीर जो है लेनिन का संबंध जो है किससे था, व्लादिमीर लेनिन जो उसका संबंध किससे था, तो बोलेंगे सर सोवियत संघ से हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए क्या होगा सोवियत संघ से। आगे क्वेश्चन नंबर 10 क्या पूछ रखा है, देखिए स्टालिन संविधान जो कब लागू हुआ था, स्टालिन संविधान जो लागू हुआ था 1936 को लागू हुआ था, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर, क्या होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन 11 क्या पूछ रखा है, पोलैंड में जो है सॉली डेरिटी का आंदोलन का नेतृत्व जो किसने किया था, तो पोलैंड में सॉलिडेरिटी का आंदोलन को नेतृत्व किया था आपको जगह लेच वेलेस्ला। हम लोग थोड़ा तेजी से करेंगे क्योंकि 100 क्वेश्चन करना है, ठीक है, तो आप लोग अच्छी तरह से आप लोग रोक के देखिए अगर आप लोग तेजी लग रहा है तो, ठीक है। क्वेश्चन 12 तो क्या, किसने जो है सामरिक भागीदारी की सुझाव रखा है, किसने सामरिक भागीदारी की सुझाव रखा है, तो देखिए इस क्वेश्चन का जो आंसर आपका बोलेंगे ऑप्शन बी जगह रूसी राष्ट्रपति पुतिन, ऑप्शन नंबर बी जगह इस क्वेश्चन का। आगे क्वेश्चन तो क्या पूछ रहा है आप लोगों को, 1991 सोवियत संघ के विघटन के उपरांत कौन सा देश महाशक्तियों के रूप में भरा था, सारे क्वेश्चन को आप लोग को एक एक करके देखना, हर एक क्वेश्चन को आप लोग अच्छी तरह से रिवीजन करते जाना, ठीक है। तो बोलेंगे इसका क्वेश्चन तो अमेरिका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्या होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन पूछ रखा है हम लोग को शॉक थेरेपी का जो है शॉक थेरेपी को अपनाया गया था, कब अपनाया गया था, बोलेंगे 1990 को अपनाया गया था, कब अपनाया गया था 1990, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 15 क्या पूछ रखा है, अमेरिका के किस राष्ट्रपति की शांति का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया था, अमेरिका के किस राष्ट्रपति को जो है शांति का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया था, तो बोलेंगे इस क्वेश्चन का तो आंसर होगा बराक ओबामा, ऑप्शन नंबर ए, क्या होगा बराक ओबामा, ऑप्शन एक डेफिनेटली करेक्ट आंसर चाहिए। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए क्या हो जाएगा, कुवैत को किस राज्य के अवैध चुंगल से मुक्त कराया था, तो क्या हो जाएगा ईरान होगा, नहीं होगा इराक हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन 17 तो क्या हो जाएगा, किस राज्य में जो है मदरसे चल रहे हैं जहां तालिबान का आतंकवाद का जो है शिक्षण व प्रशिक्षण दिया जाता है, तो कौन से जो है राज्य में, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन, मतलब राज्य क्या देसी होगा, ठीक है, पाकिस्तान हो जाना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन क्या कुछ रखा है 18वां क्वेश्चन की 2003 में अमेरिकी ने किस देश पर हमला किया था, तो बोलेंगे सर डेफिनेटली हमको पता है इराक हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्या होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अमेरिकी 2003 में जो हमला किया था वो इराक था। कल क्वेश्चन 19 क्या हो जाएगा, समाजवादी बाजारी अर्थव्यवस्था किस देश में समय जो है स्थापित है, 19 नंबर क्वेश्चन देखिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, तो डेफिनेटली से करेक्ट आंसर चाहिए ऑप्शन नंबर सी जगह चीन, क्या होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़िए क्वेश्चन क्या पूछा, 20 क्वेश्चन कि कौन सा देश जो है गाजर व छड़ी की नीति को जो है आपका गाजर कौन सा देश जो है गाजर व छड़ी की नीति को अनुकरण करता
कहा जाता है। तो 20 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर होगा बोलेंगे सर चीन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, चीन। आगे बढ़िए क्वेश्चन 21 का आंसर क्या है, निम्नलिखित में कौन सा देश जो आसियान का सदस्य नहीं है, आसियान का सदस्य नहीं की बात कही जा रही है, तो बोलेंगे श्रीलंका, ऑप्शन नंबर डी होगा श्रीलंका, बिल्कुल इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। 22 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रखा आपको, निम्नलिखित में कौन जो आसियान का सदस्य है, ठीक है, सदस्य है की बात कही जाए तो बोलेंगे इंडोनेशिया जो आसियान का सदस्य है हो जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन आसियान का सदस्य नहीं है, श्रीलंका होगा क्या, इस क्वेश्चन का मुझे डाउट लग रहा है, आप लोग बताइए तो क्या आंसर होगा, श्रीलंका ही होगा क्या। क्वेश्चन देखो हम लोगों क्या पूछ रखा कि निम्नलिखित में से कौन सा देश जो आसियान का सदस्य नहीं है, तो यहाँ पे नहीं पूछ रखा है, तो आसियान सदस्य यहाँ पे क्या नहीं होगा, भारत नहीं होगा क्या, ऑप्शन नंबर सी जगह, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़िए क्वेश्चन हमको, दक्षिण एशिया देशों में सैनिक शासन जो है सबसे पहले किस राज्य में स्थापित हुआ था, तो बोलेंगे 24 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर होगा आपका ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, श्रीलंका होगा, नहीं होगा, नेपाल नहीं, पाकिस्तान हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी जो होगा, ऑप्शन नंबर सी। 25 देख क्वेश्चन पूछ रखा हमको, दक्षिण एशिया में कौन सा धर्म जो है सापेक्ष राज्य है, दक्षिण एशिया में कौन सा धर्म सापेक्ष राज्य है, तो बोलेंगे भारत नहीं, ऑप्शन यहाँ पे बी जाएगा पाकिस्तान, ठीक है, ऑप्शन बी पाकिस्तान डेफिनेटली करेक्ट आंसर होगा। 26 देखिए 2011 में भारत चीन संबंध सुधारने की और किस भारतीय प्रधानमंत्री ने पहल की, तो डेफिनेटली आंसर करना चाहिए बोलेंगे सर ऑप्शन बी होगा नरेंद्र मोदी, ऑप्शन नंबर बी डेफिनेटली इसमें करेक्ट आंसर होना चाहिए। 27 को क्या क्वेश्चन पूछेगा, चीन ने विदेश व्यापार हेतु खुले द्वार की नीति जो कब अपनाई थी, तो 27 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर बोलेंगे सर 1978 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1978। क्वेश्चन 28 दो क्या पूछेगा, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय जो कहां पे है, तो 28 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर होगा वाशिंगटन डीसी, ऑप्शन नंबर यहां पे डी क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन देखो क्या पूछेगा, 29 क्वेश्चन करेगा सीटीबीटी प्रस्ताव जो संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा कब जो स्वीकार किया गया, तो देखिए यहां पे 1995 तो नहीं होगा, बोलेंगे सर ऑप्शन यहां पे बी हो जाएगा 1996, ठीक है, ऑप्शन बी 1996। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 को क्या पूछ रखा है, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहां अवस्थित है, डेफिनेटली पता होगा द हेग, यानी बोलेंगे तो ऑप्शन डी यहां पे करेक्ट आंसर होगा, क्या होगा, हेग। चलिए आगे क्वेश्चन करता है कि निम्नलिखित में कौन जो देश जो कि सार्क का सदस्य नहीं है, ध्यान देंगे सार्क का सदस्य नहीं की बात की जा रही है, पाकिस्तान बोलेंगे बिल्कुल है सर, भारत है, नेपाल है, थाईलैंड आपका नहीं जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है। सार्क में टोटल जो 7 सदस्य थे, अभी जो 8 हो चुका है, ठीक है, बाद में श्रीलंका ऐड हुआ है। क्वेश्चन 32 का, सार्क का मुख्यालय कहां, डेफिनेट बताना चाहिए, काठमांडू में, कहां पे है, काठमांडू में, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन 33 देखिए क्या पूछ रखा, संयुक्त राष्ट्र जो है पद बंधन की जो रचना किसने की थी, तो डेफिनेटली पता होना चाहिए आप सभी को, एफडी क्या कहते हैं रूजवेल्ट, ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। आगे क्वेश्चन नंबर 34 देखो क्या पूछा जाएगा, किसी गैर सरकारी संगठन को जो है तदर्थ मानना मतलब क्या कहते हैं तदर्थ मान्यता कौन दे सकता है, तो देखो किसी गैर सरकारी संगठन को जो दे सकता है मानता है, वो आपका दे सकता है महासचिव, बोलेंगे तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्या होगा, महासचिव। क्वेश्चन देखो 35 का पूछ रखा है, विश्व व्यापार संगठन निम्नलिखित में किस संगठन का उत्तराधिकारी है, तो 35 नंबर क्वेश्चन का तो बोलेंगे क्या हो जाएगा यहाँ पे, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा क्या, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड क्या कहते हैं एंड ट्रैफिक, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई, तो डेफिनेटली सबको पता होगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन है सर, चलो बिल्कुल ऑप्शन ए आना चाहिए सभी का, 1945। आगे क्वेश्चन बताया भारत द्वारा दूसरा सफल परमाणु परीक्षण कब हुआ था, बिल्कुल ये भी क्वेश्चन इजी है, तो बोलेंगे सर 1998 हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। कह रहा है कि नौ उपनिवेशवाद जो है पदबंध किसे किसने गढ़ा, तो किसने गढ़ा, ये हो जाएगा आपका यहाँ पे भारत के जवाहरलाल नेहरू, तो नहीं तो होगा मिस्र के करने से, नहीं होगा घना के, हाँ ये हो जाएगा घना के एन क्या कहते हैं कुमरा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, घाना के एन कुमरा। आगे बढ़ते क्वेश्चन के पूछ रखा है 39 क्वेश्चन का, शांति निर्माण की विधि का प्रयोग सबसे पहले कहाँ हुआ था, तो देखो इस क्वेश्चन का जो आंसर बोलेंगे तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, कांगो के गृह युद्ध में, ऑप्शन नंबर सी शुड बी द करेक्ट आंसर। चलिए 40 क्वेश्चन का पूछ रखा है, भारत का वायु प्रदूषित जो नगर है यहाँ इनमें से कौन सा है, तो बोलेंगे मुंबई से बिल्कुल है, कोलकाता भी है, कानपुर भी है, तो बोलेंगे इनमें से सभी हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी जो क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन 41 क्या पूछ रखा है, निम्नलिखित में से कौन एक पर्यावरणविद नहीं है, पर्यावरणविद नहीं पूछ रखा है, तो देखो आप सुनीता नारायण बिल्कुल है, मेघा पाटेकर बिल्कुल है, आर के पंचोली बिल्कुल है, अरविंद केजरीवाल पता आप सभी को एक राजनीति विज्ञान है, ठीक है, मतलब राजनीति वाले लोग हैं पता है सभी को, जो कि दिल्ली का आपका पता है कि दिल्ली का चीफ मिनिस्टर है, और अभी जो है ये करेंटली दो स्टेट पर इसका जो है ये चल रहा है, मतलब दो स्टेट पर इसका सरकार चल रहा है, ठीक है, तो अरविंद केजरीवाल और गुजरात में तो अभी हाल ही में हुआ, और जिसमें जो है इसको
एक क्वेश्चन अभी एक नया बनाया रिकॉर्ड कि गुजरात में जो इलेक्शन हुआ जिसमें 5 सीट प्राप्त करने के बाद जो इसको गुजरात के इलेक्शन में इसको जो बाहर इसकी पार्टी को जो आम आदमी पार्टी है ये पार्टी को जो है राष्ट्रीय पार्टी घोषित कर दिया गया, ठीक है, नेशनल पार्टी घोषित हो गई है, ठीक है। तो याद रखिएगा, तो कब हुआ था ये याद रखिएगा, 2023 मतलब 2022 हाल ही में जो हुआ है। कह रहा है कि वैश्विक तापवृद्धि से किस देश का सबसे जो अधिक खतरा है, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा आपका मालदीव, ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन पूछा जाएगा किस कमेटी को की रिपोर्ट पर जो है भारत सरकार ने पर्यावरण विभाग स्थापित किया, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा क्या होगा, तिवारी कमेटी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तिवारी कमेटी। क्वेश्चन कह रहा है कि वैश्वीकरण के बारे में कौन सा कथन जो सही है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर बोलेगा तो ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, वैश्वीकरण एक जो है बहु जो है क्या कहते हैं बहु आयमी परिघटना है, तो ऑप्शन यहां पे डी हो जाना चाहिए। क्वेश्चन 35 तो क्या कह रहा है कि वीएस नायपाल जो कौन थे, वीएस नायपाल जो थे वो जगह आपका नोबेल पुरस्कार विजेता, ऑप्शन नंबर ए जगह क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन 46 पूछ रखा विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ था, विश्वव्यापी आर्थिक संकट की बात करें तो बोलेंगे 1929 जगह आपका ऑप्शन नंबर सी जो, ठीक है। क्वेश्चन 47 नई अखिल भारतीय सेवाएं स्थापित करने की दृष्टि से महत्व किसका है, बताइए यहाँ पे क्या होगा, राज्यसभा के प्रस्ताव का, बिल्कुल बोलेंगे ऑप्शन ए करेक्ट होगा, क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सभी का राइट आंसर होना चाहिए। 48 क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है कि प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस तत्व पर बल देता है, विवेक क्या होगा, अस्थाय क्या कहते हैं, अस्थाय अनंत विश्वास, पुरानी परंपरा, कानूनी, नहीं ऑप्शन ए हो जाएगा विवेक, ठीक है, ऑप्शन ए शुड बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 49 क्या पूछा गया, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा बंदी व्यक्तियों को संवैधानिक अधिकार दिए गए हैं, तो वो था आपका अनुच्छेद 22 के द्वारा, किसके द्वारा, अनुच्छेद 22 याद रखिएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन कर लो कि विधान परिषद के अध्यक्ष को क्या कहते हैं, विधान परिषद के अध्यक्ष क्या कहते हैं, अध्यक्ष कहते हैं नहीं, अध्यक्ष नहीं कहते, मुखिया कहते हैं ये भी नहीं, प्रधान कहते हैं नहीं, सभापति हो जाना चाहिए, विधान परिषद के अध्यक्ष को क्या कहते हैं, सभापति, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते क्वेश्चन पूछ रहे हम लोग को मौलिक अधिकार का आरंभ कौन, मौलिक अधिकार का जो है अभिचरण अभिरक्षण जो है कौन है, मौलिक अधिकार का अभिरक्षण राष्ट्रपति नहीं होगा, सर्वोच्च न्यायालय बिल्कुल हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी जो क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन पूछ रहे भारत में पहला नगर निगम जो स्थापित जो है वो किया गया था वो कब किया गया था, तो भारत में पहला नगर निगम स्थापित की बात करेंगे तो सर ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जाएगा मद्रास, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन 53 पूछ रहे भारतीय संविधान के किस भाग को संविधान की आत्मा कहा जाता है, तो बोलेंगे ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा प्रस्तावना, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 54 दिया कि भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य है, भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य है, तो इस क्वेश्चन का आंसर का ऑप्शन नंबर डी 11 हो जाएगा, कितना जगह 11, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन कर हम लोगों को ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है, तो ग्राम कचहरी का प्रधान जो होता है वो होता है आपका ऑप्शन नंबर ए सरपंच होगा आपका, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन 56 पूछ रखा आप लोग को कि भारत में चुनाव आयोग का जो गठन हुआ था कब हुआ था, तो भारत में चुनाव आयोग का गठन हुआ था कब हुआ था, तो ऑप्शन नंबर ए जाएगा जनवरी 1950 करा कि भारत का संविधान किस वर्ष अंगीकृत हुआ था, तो ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर बी 1949, ऑप्शन नंबर यहां पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 58 कर रहा है, 58 क्या क्वेश्चन कर रहा है देख लिया यहां पे कि मिजोरम जो है किस वर्ष भारत संघ का राज्य बना, तो बोलेंगे ऑप्शन बी जगह 1987, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन अनुसार देखिए कह रहा है कि किसी भी राज्य की विधानसभा की अधिकतम जो है अनुज्ञ सदस्य संख्या जो सीमा है वो कितनी होती है, तो बोलेंगे 500 हो सकती है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जगह 500, ठीक है। आगे बढ़ते क्वेश्चन क्या पूछा है कि भारत के राष्ट्रपति की जो है स्थिति तुलनात्मक दृष्टि से निम्न में से किसके समान है, तो बोलेंगे इस क्वेश्चन का तो आंसर होगा आपका ब्रिटिश महारानी, ऑप्शन नंबर सी शुड बी द करेक्ट आंसर। चलिए 61 नंबर क्वेश्चन पूछ रखा आप लोग को भारत जो है मुख्यतः एकात्मक राज्य है, इस विचार का प्रतिपादक जो है वो है कौन है इनमें से, तो डेफिनेटली करेक्ट आंसर आना चाहिए ऑप्शन नंबर डी केसी वियर, ऑप्शन नंबर डी शुड बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 62 पूछ रखा कि विधान परिषद का सदस्य निर्वाचन होने के लिए न्यूनतम जो आयु है वो कितनी हो सकती है, तो न्यूनतम आयु जो होनी चाहिए वो होना चाहिए आपका 30 वर्ष, बोलेंगे ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। क्वेश्चन 63 क्या पूछ रहा है देखिए निम्नलिखित में कौन एक न्याय का प्रकार है, तो न्याय के प्रकार की बात करें कानूनी न्याय बिल्कुल ये प्रकार है, ठीक है। न्यायिक राजनीतिक न्याय बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। आर्थिक न्याय ये भी करेक्ट है, इनमें सभी बोलेंगे ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहे हैं संविधान निर्माता सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया, तो बोलेंगे जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, क्या हो जाएगा संविधान निर्माता सभा में उद्देश्य प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू होगा क्या, चलिए ऑप्शन ए होना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते क्वेश्चन क्या हम लोग को कि राज्यसभा का उपसभापति जो है निर्वाचित राज्यसभा का
उपसभापति निर्वाचित जो होता है वो किसके द्वारा होता है, तो वो राज्यसभा के सदस्यों के द्वारा होता है। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन 66 को देखिए क्या पूछ रखा आप लोग को। बलवंत राय मेहता समिति ने निम्नलिखित में से किस अंग को अधिक शक्तिशाली बनाने का सुझाव दिया, तो बोलेंगे इस क्वेश्चन का आंसर होगा आपका ग्राम पंचायत, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन देखो सही से क्या पूछ रहेगा, कैबिनेट के मेहराब की जो है मेहराब की आधारशिला किसे कहा गया है, तो प्रधानमंत्री को कहा गया, किसको कहा गया, प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी शुड बी द करेक्ट आंसर। अर्षद कुमार क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रखा है कि राज्यों के शासन में किसी केंद्र का अभिकर्ता कहा जाता है वो क्या कहा जाता है, तो राष्ट्रपति कहते हैं, नहीं कहते हैं प्रधानमंत्री, नहीं राज्यपाल हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी। आगे क्वेश्चन 69 कि राजनीतिक दलों को किस संवैधानिक संस्था द्वारा चुनाव चिन्ह जो है आवंटित किया जाता है, तो डेफिनेटली पता होगा वो चुनाव आयोग द्वारा होता है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। राजनीतिक दल के जो संवैधानिक संस्था द्वारा जो चुनाव चिन्ह मिलता है वो किसको द्वारा मिलता है, चुनाव आयोग के द्वारा मिलता है। 70 नंबर क्वेश्चन दो क्या पूछ रखा है, भारत में प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, तो भारत में प्रथम राष्ट्रपति डेफिनेटली पता होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और प्रथम प्रधानमंत्री की बात करें तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, क्वेश्चन पूछा गया कि किस समिति की जो है अनुशंसा पर भारत में प्रथम बार पंचायती राज संस्थाओं का गठन किया गया था, तो बोलेंगे सर बलवंत राय मेहता समिति, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन 72 क्वेश्चन पूछा गया राज्यसभा में प्रतिनिधित्व जो होता है वो कहां पे होता है, केंद्र का होता है, राज्यों का होता है, ए और बी दोनों का, इनमें से कोई नहीं, तो बोलेंगे ऑप्शन बी जगह राज्यों का। ठीक है, क्वेश्चन 73 देखो क्या पूछ रखा है, भारत में प्रथम पंचायती योजना की शुरुआत जो हुई थी वो कब हुई थी, तो 73 नंबर क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी जगह 1951, ऑप्शन नंबर बी शुड बी द करेक्ट आंसर। चलिए 74 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रखा है, योजना आयोग जो है कौन सा निकाय है, योजना आयोग जो है कौन सा निकाय है, तो बोलेंगे गैर संवैधानिक निकाय है, ये कौन सा निकाय है, तो गैर संवैधानिक निकाय, ऑप्शन बी हो जाएगा। 75 क्वेश्चन पूछ रखा है, भारत में नई आर्थिक नीति की शुरुआत जो है किस प्रधानमंत्री ने की थी, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा आपका बोलेंगे नरसिम्हा राव, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा नरसिम्हा राव। क्वेश्चन पूछा गया गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था, गरीबी हटाओ का नारा जो दिया था वो जाएगा आपका इंदिरा गांधी ने दिया था, ऑप्शन बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इंदिरा गांधी। क्वेश्चन 77 का पूछ रखा है, योजना आयोग को भंग कर कौन सा आयोग बना, तो योजना आयोग को भंग करके जो बना था वो आपका नीति आयोग बना था, ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, नीति आयोग। क्वेश्चन 78 पूछ रखा है, योजना आयोग की स्थापना जो हुई कब हुई थी, तो योजना आयोग की स्थापना जो हुई थी बोलेंगे सर 1950 को हुई थी, ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, 1950। क्वेश्चन 79 मनरेगा कार्यक्रम की शुरुआत जो किसके शासनकाल में हुई थी, तो 79 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर होगा आपका क्या होगा, मनमोहन सिंह के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी शुड बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80 देखिए क्या पूछ रखा है, भारत में विदेशी नीति के संचालक जो है वो कौन है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इनमें से कोई नहीं होना चाहिए। आगे क्वेश्चन नंबर 81 पूछा गया कि किस देश ने भारत पर आक्रमण कर पंचशील का उल्लंघन किया था, डेफिनेटली बताओ वो चीन हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए शुड बी द करेक्ट आंसर। 82 क्वेश्चन पूछ रहा है, भारत तथा पाकिस्तान के बीच 1972 में कौन से समझौते पर हस्ताक्षर हुआ था, तो डेफिनेटली आपको बताओ ऑप्शन नंबर सी होगा, शिमला समझौता। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 83 का पूछ रखा है, मैकमोहन रेखा जो वो कहाँ पे है, तो मैकमोहन रेखा की बात करें तो डेफिनेटली बताओ आपको अरुणाचल प्रदेश में है, ऑप्शन नंबर बी शुड बी द करेक्ट आंसर। ताशकंद समझौता पर 10 जनवरी 1966 को किन के द्वारा हस्ताक्षर किया गया था, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा आपका अय्यूब खां और लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 85 क्वेश्चन पूछ रखा है, 1975 ईस्वी में आपातकालीन घोषणा करने वाले पर जो आपात काल की घोषणा करने वाले भारतीय राष्ट्रपति का नाम है, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, तो डेफिनेशन में बताना चाहिए आपका ऑप्शन यहाँ पे तो कोई नहीं होगा, आपातकाल 1975 इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी नहीं है, इनमें से कोई नहीं मानेंगे। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन का आप पूछ रखा हम लोग को, भारत की में किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया था, तो देखो यहाँ पे लगाया जाता है तो ऑप्शन आपका 300 अनुच्छेद 352 हो जाना चाहिए, ऑप्शन बी हो जाएगा, क्या बोलते हम लोग, ऑप्शन नंबर बी। 1971 के आम चुनाव में इंदिरा गांधी ने कौन सा नारा दिया था, तो बोलेंगे सर ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा, गरीबी हटाओ नारा किसने, इंदिरा गांधी ने था, गरीबी हटाओ नारा ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन देखा, भारत में प्रतिनिधित्व जो है नौकरशाही के विचार का समर्थन जो है किसने किया था, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा इंदिरा गांधी, ऑप्शन नंबर डी होगा, इंदिरा गांधी। क्वेश्चन पूछेगा सुभाष चंद्र बोस का जन्म जो है कब हुआ था, तो सुभाष चंद्र बोस का जन्म जो हुआ था वो आपका इनमें से कोई नहीं यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन 90 के जनसंघ के संस्थापक कौन है, तो जनसंघ के संस्थापक जो जाएगा आपका अटल बिहारी वाजपेयी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्या होगा, अटल बिहारी वाजपेयी। भाखड़ा नंगल परियोजना जो स्थित है वो कहाँ पे है, तो भाखड़ा नंगल परियोजना आपका सतलज नदी पे है, कहाँ पे, सतलज नदी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन 92 पूछ रखा, भारतीय संसद में महिलाओं को कितने प्रतिशत आरक्षण की मांग जो है की गई है, इस क्वेश्चन का आंसर बोलेंगे तो ऑप्शन बोलेंगे यहाँ से सी हो जाएगा, 33%, ऑप्शन नंबर सी शुड बी द करेक्ट आंसर।
क्वेश्चन है पंचायत व्यवस्था किस देश में स्थापित की गई है, तो पंचायत व्यवस्था जो स्थापित की वो नेपाल में की गई, कहाँ पे, नेपाल में, ऑप्शन सी शुड बी द करेक्ट आंसर। 94 पूछा गया क्षेत्रवाद का एक कुपरिणाम जो है वो क्या है, क्षेत्रवाद का एक कुपरिणाम जो आपका ऑप्शन नंबर बी जगह अलगाववाद, ऑप्शन नंबर बी शुड बी द करेक्ट आंसर। 95 क्या पूछा गया कि सिक्किम भारत का जो है सहवर्ती राज्य कब बना, सिक्किम भारत का सहवर्ती राज्य की बात करेंगे तो बोलेंगे 1975 बना था, ऑप्शन नंबर बी जगह 1975। 96 पूछा गया किस भारतीय राज्य का अपना संविधान है, तो आंसर का बोलेंगे मणिपुर का, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है, मणिपुर का नहीं, ये जम्मू कश्मीर का हो जाएगा, ठीक है, जम्मू कश्मीर का अपना संविधान है लेकिन अब जो है लगभग समझो कि एंड होने वाला है। कह रहा है कि केशव आनंद भारत भारतीय वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने किस विषय पर निर्णय दिया था, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, संसद संविधान के मूल ढांचे को संशोधित नहीं कर सकती है, इसको इसके बारे में निर्णय दिया था, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। 90 का सर्वप्रथम किस राज्य में महिलाओं को पंचायतों में 50% आरक्षण दिया गया था, बोलेंगे सर बिहार हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ऑप्शन सी बिहार। 99 का द्वितीय विश्व युद्ध जो कितने समय तक चला था, तो द्वितीय विश्व आपका 6 वर्ष तक चला था, कितने वर्ष तक, 6 वर्ष, ऑप्शन बी शुड बी द करेक्ट आंसर। 100 नंबर क्वेश्चन जो कि लास्ट क्वेश्चन का, दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो इसका आंसर होगा आपका भारत, ऑप्शन नंबर सी होगा। तो हम लोग यहाँ पे 100 क्वेश्चन कंप्लीट करें, काफी जो है लाजवाब सारे क्वेश्चन है, आप लोग एक एक करके नोट कर देना है, इस वीडियो को आप लोग को लाइक कर देना है, अपने सभी फ्रेंड के साथ शेयर कर देना है, जो भी चैनल को न्यू है चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है, मिलते हैं अगले इसी तरह के नए वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।